हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक इंग्लिश कपल साइमन और नील अपने करीबी फ्रेंड्स को क्रिसमस पार्टी के लिए अपने घर पे इनवाइट करते हैं और उनके तीन बेटे जिनमें आर्ट सबसे बड़ा होता है और हार्डली और थॉमस दोनों ट्विंस होते हैं। इसी दौरान हम आर्ट को वेजिटेबल्स चॉप करते हुए देखते हैं कि तभी गलती से उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिसे देख उसकी मॉम नील उसके हाथ पर पेपर प्लास्टर लगा देती है। थोड़ी देर में सारे गेस्ट आने लगते हैं, जिनमें सबसे पहले सैंड्रा और उसका हस्बैंड टोनी अपनी बेटी किटी के साथ आते हैं, फिर बेला और उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्स, और आखिर में जेम्स और उसकी वाइफ सोफी आती हैं, और साथ ही इनकी एक फ्रेंड लिजी। ऐसे सारे दोस्त थे। अब इनकी ये पार्टी शुरू ही हुई थी कि तभी किटी नील से पुडिंग मांगती है, लेकिन इन्होंने पुडिंग बनाया ही नहीं था। ये सुनते ही किटी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। किटी काफी जिद्दी होती है, इसलिए टोनी और साइमन को पुडिंग लेने के लिए स्टोर जाना पड़ता है। थोड़ी देर के बाद सभी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। तो टोनी और साइमन जब पुडिंग लेने गए थे तब ऑलमोस्ट सारे स्टोर बंद होते हैं, इसीलिए वो एक स्टोर का विंडो तोड़कर वहां से पुडिंग लेके आते हैं। शाम होते ही सभी एक साथ टेबल पर बैठकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और फिर नील सबको बताती है कि सभी के प्लेट में सिर्फ एक पोटैटो है, इसीलिए वो सभी से माफी भी मांगती है। कि तभी टीवी के द्वारा हमें पता चलता है कि लंदन की जो क्वीन है वो एक बंकर के अंदर स्पीच देती है और वो सबको शांत रहने और एग्जिट पील लेने के लिए कहती है। और यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर होती है कि पूरे दुनिया में एक पॉइजनस क्लाउड घूम रहा है, जिससे हर जगह पॉइजन गैस फैल रहा होता है। इस गैस की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और सबने अपने लाइफ के आखिरी पल एक साथ बिताने के लिए ही क्रिसमस पार्टी रखी होती है, और इसी कारण से दुनिया में रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, और इसी कारण से खाने में सिर्फ एक पोटैटो और नील पुडिंग नहीं बना पाती। तभी सॉफी कहती है कि एटलीस्ट हमें बच्चों से ये सारी चीजें छुपानी नहीं चाहिए, लेकिन आर्ट पहले से ही इस डिजास्टर के बारे में जानता था। वहीं दूसरी तरफ आर्ट अपने मोबाइल में इस गैस के बारे में देखता है, जिससे पता चलता है कि ये गैस तीन स्टेजेस में सबको मारती है। स्टेज वन टॉक्सिक इनहेलेशन है, स्टेज टू में सीधा नर्व सिस्टम पर अटैक करती है, और स्टेज थ्री में ब्लीडिंग होने लगती है, जिस वजह से लोग बहुत ही दर्दनाक मौत मरते हैं। गवर्नमेंट इस गैस को तो नहीं रोक सकती, लेकिन वो लोगों की मदद कर सकती है उन्हें पेनलेस मौत देकर। इसीलिए गवर्नमेंट ने एग्जिट पिल निकाली है, ताकि जब पॉइजनस क्लाउड आपके तरफ आए तो आप इस पिल को खा लें और बिना पेन के वे लोग मर सकते हैं। फिर नेल और सैंड्रा अपने बच्चों को समझाती हैं कि वो उनका भला चाहते हैं और दर्दनाक मौत से बचाने के लिए ही पिल्स देकर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ साइमन टोनी और जेम्स अकेले में ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी जेम्स उन्हें बताता है कि सोफी अभी प्रेग्नेंट है और अपने होने वाले बच्चे के लिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि पिल लेनी चाहिए या नहीं। फिर हम सभी लोगों को एक रूम में बैठे हुए देखते हैं, जहां सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं, यानी कि अपने आखिरी पल भी वे लोग काफी खुशी खुशी मना रहे थे। किटी को गिफ्ट में एक डॉल मिलती है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने डैड को हग करती है, जिसके बाद उसकी मॉम सैंड्रा भी उसे हग करने के लिए बोलती है, लेकिन किटी मना कर देती है। तो वही आर्ट फिर किटी को उसकी मॉम को हग करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सैंड्रा को वो सिर्फ एक फ्लाइंग किस देती है, जिसे देख आर्ट फिर किटी से रूडली बात करता है। तब सैंड्रा उसके ऊपर भड़क जाती है, इसीलिए आर्ट काफी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और उसके डैड उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। तब इस पूरी सिचुएशन से गुस्सा होकर आर्ट पूछता है कि ऐसे बाहर काफी सारे लोग हैं जिन्हें अभी तक पिल मिली ही नहीं है, तो हमें ही ये सजा क्यों? तो उसके पिता उसे समझाते हैं कि कुछ होमलेस और गरीब लोग हैं, उन्हें पिल्स नहीं मिली है क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार ये सब लोग लीगली एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि दोस्तों, यहाँ घर में काफी खराब माहौल था। फिर सभी अपने आखिरी वक्त के लिए क्रैकर जलाकर अपना आखिरी फेस्टिवल मना रहे होते हैं, मूवी देखने लगते हैं और सभी अपने पुराने दिन याद करने लगते हैं। थोड़ी समय के बाद सोफी आर्ट को देखने के लिए आती कि वो ठीक है कि नहीं। तभी आर्ट के डैड अचानक से वहां पे आ जाते हैं और उसे उसके ग्रैंडमा निकोल से बात करने के लिए लेके जाते हैं। फिर सभी उनसे वीडियो कॉल में बात करने लगते हैं। तभी नील सबको बताता है कि दरअसल साइमन और टोनी ने पेट्रोल स्टेशन पर रॉबरी की थी, किटी को पूरी
वार्निंग देने के लिए। लेकिन इसी बीच में ये पॉइजनस क्लाउड निकोलिया ने दादी के घर के पास से गुजर रहा होता है, इसीलिए वहाँ के सारे लोग गुड बाय बोल वो पिल ले लेते हैं, जिसमें उनकी दादी भी मारी जाती है। अब दादी माँ नहीं रही इसलिए नील काफी दुखी हो जाती है, लेकिन साइमन कैसे तैसे उसे समझाता है और वापस पार्टी में लेके आता है। लेकिन दूसरी तरफ आर्ट बहुत ही परेशान लगता है, वो समझ जाता है कि उसकी दादी नहीं रही इसीलिए वो भी उनकी तस्वीर देख के रोने लगता है। थोड़ी समय के बाद वो जेम्स और सोफी के रूम में जाता है और जेम्स को कहता है कि आप एक कैंसर के डॉक्टर हो, है ना। आगे वो उन्हें बताता है कि वो ये पिल नहीं लेना चाहता और वो आखिरी समय में दर्दनाक मौत ही मरना चाहता है क्योंकि उसे डर के नहीं मरना है। जिस पर जेम्स उसे कहता है कि ये दर्द बहुत ही असह्य है, इसीलिए कुछ लोग दर्द सहने के बजाय मरना पसंद करते हैं। लेकिन आर्ट उन्हें कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये पिल नहीं लेनी है। तभी सोफी आर्ट को बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है और उसे भी पिल नहीं लेनी है क्योंकि वो अपने बेबी को मारना नहीं चाहती। अब ये सुनते ही आर्ट अपनी माँ के पास जाता है और उसे सोफी की सारी कंडीशन बताता है, इसीलिए वो भी अब पिल नहीं लेने वाला था। ये सुनकर नील आर्ट को वहाँ से लेके जाती है और साइमन को लेकर उसके कार में चली जाती है और उसे बहुत डांटती है। तब आर्ट बोलता है कि कम से कम सोफी को अपने बच्चे की परवाह है। ये सुनकर आर्ट को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है कि कम से कम सोफी अपने बच्चे के बारे में तो सोच रही है, लेकिन आप तो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहे हो। ये सुन दोनों को भी गुस्सा आ जाता है। आर्ट अपना फैसला सुना देता है कि मैं पिल नहीं लेना चाहता और गुस्से में आर्ट कार से निकलकर भागने लगता है। अब ये देख उसके पिता भी तुरंत कार से निकलकर उसका पीछा करने जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आर्ट को एक कार दिखाई देती है जिसमें एक फैमिली ने एग्जिट पिल लेकर सुसाइड कर ली होती है और उनके साथ एक बेबी भी होता है। आर्ट इन सब चीजों को देख काफी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है। आर्ट के पिता उसके आवाज सुनकर उसकी ओर जाने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पॉइजनस क्लाउड आर्ट से होकर गुजर जाता है। आर्ट की हालत काफी खराब होने लगती है। ये देख साइमन फिर आर्ट को लेकर घर में चला जाता है। सभी बच्चों को उनके रूम में भेजा जाता है। आर्ट को देख सभी लोग परेशान हो जाते हैं और पार्टी भी बंद हो जाती है। फिर जेम्स और सोफी आर्ट को अपने रूम में लेके जाते हैं। साइमन, टोनी और जेम्स समझ जाते हैं कि वो पॉइजनस क्लाउड कल सुबह के बजाय अभी ही इनके घर तक पहुंच वाला है, इसीलिए वो सभी एक दूसरे को गुड बाय बोल रहे होते हैं। और नील भी आर्ट को अपने रूम में लेके जाती है। सोफी जो प्रेग्नेंट थी अभी भी पिल लेने से इनकार करती है। तब जेम्स उसे बोलता है कि अगर सोफी पिल्स नहीं लेगी तो वो भी नहीं लेगा, इसीलिए ना चाहते हुए भी अब उसे पिल लेनी पड़ती है। दूसरी तरफ सैंड्रा और उसकी फैमिली भी पिल ले लेती है, लेकिन किटी उनकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब बेला भी पिल ले लेती है, पर एलेक्स जो कि सो रही थी इसीलिए बेला उसके मुंह पर एग्जिट पिल डाल देती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एलेक्स उठ जाती है और वोमिटिंग कर देती है जिससे उसके पिल बाहर निकलती है। फिर बेला एलेक्स के साथ डांस करने लगती है और उसके पेट में नाइफ मार कर उसे मार देती है। उसने खुद ने तो पिल ले ली थी जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। इधर किटी अपने रूम में वापस आती है और उसे खिड़की के बाहर पॉइजनस क्लाउड दिखाई देता है जो कि उन्हीं की दिशा में आ रहा था, इसीलिए वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बेड पर चली जाती है। दूसरी तरफ साइमन अपने दोनों ट्विन्स बच्चों को पिल्स दे देता है और अब आर्ट को पिल देने के लिए जाता है, लेकिन आर्ट उसी पॉइजनस गैस की वजह से पहले से ही मर चुका होता है। ये सब देख साइमन और नील बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने पिल ले लेते हैं और इसी तरह सभी की डेथ हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो पॉइजनस क्लाउड उनके घर से होकर गुजर जाता है, यानी कि अगर पिल नहीं लेते तो भी ये मारे जाते। और फिर अगली सुबह होते ही चारों तरफ बर्फ पड़ने लगती है, यानी कि क्रिसमस का दिन आ चुका था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से आर्ट अपनी आंख खोल देता है, यानी कि दोस्तों वो पॉइजनस गैस दरअसल एक झूठ होता है, यानी उस गैस के कारण कुछ लोग मारे गए थे या फिर वो भी अथॉरिटी के मैनिपुलेशन का एक प्लान था ताकि पूरे दुनिया भर के लोग उस गैस से डरने लगे। और उस दर्दनाक मौत से बचने के लिए गवर्नमेंट और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने एक पिल निकाली जिससे बताया गया कि वो इजीली मर सकते हैं। इसी कारण से क्वीन ऑफ इंग्लैंड एक बंकर में बैठी हुई दिखाई गई है, क्योंकि ऑफकोर्स वो खुद पिल नहीं लेने वाली थी। और साइंटिस्ट उस पिल को निकालते हैं और उस गैस के डर के मारे सब लोग वो पिल्स लेने लगते हैं, और जो जीने की चाहत रखते हैं वो रिस्क लेना चाहेंगे और इसी कारण से वो पिल्स नहीं लेंगे जैसे कि आर्ट था। और शायद ऐसे लोग जी सकते हैं।
यानी कि ये कैसे अथॉरिटीज का प्लान हो सकता है कि जो लोग जीना नहीं चाहते या पूरी तरीके से आशा छोड़ चुके हैं उनको इस जिंदगी से ही उठा लेना। दरअसल ये डूम्सडे जैसी मूवी है, लेकिन उसे एक अलग ही क्रिसमस की थीम में हमारे सामने लाया गया है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।